नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलनों से संबंधित गतिविधियों का विकास हमें 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से दिखाई पड़ता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक जो है अनेक आधुनिक उद्योगों की स्थापना भारत में हो चुकी थी, और जैसा कि आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, कुछ कारखानों में, फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों के बारे में बहुत लोगों ने सोचना प्रारंभ कर दिया था। कुछ फैक्ट्री एक्ट्स वगैरह भी आए थे जिसमें मजदूरों के दशा के बारे में कुछ विचार विमर्श किया गया था और कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो इस दिशा में रेलवे का निर्माण पहला कदम था। आप कह सकते हैं रेलवे जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग था और भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन का अग्रदूत बना जो है वो रेलवे, यानी कि रेलवे में जो काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत की, इसका प्रारंभ किया। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के कदम की पृष्ठभूमि के विपरीत राजनीतिक आदर्शों ने भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन को बहुत प्रभावित किया, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन इत्यादि का उदय हो चुका था जो है, और बहुत सारी खबरें जो है विदेशों से भारत में आती रहती थी मजदूरों वगैरह के बारे में, लेकिन जो है वो इन सब के विपरीत जो है, ये इस पृष्ठभूमि के विपरीत जो राजनीतिक आदर्श थे उन्होंने भारतीय आंदोलन को, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। भारतीय ट्रेड यूनियनों का विकास समाज में स्थित किसी संस्था से नहीं हुआ था। अपने प्रारंभिक काल में मजदूरों ने औद्योगिक जीवन की जो कठिनाइयां थी, जो दिक्कतें आती थी उनके सामने, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए ही इस आंदोलन की शुरुआत की, और यही उनकी जो है प्रारंभिक समय में यही उनकी मांग भी होती थी। से 1877 ईस्वी में नागपुर में इम्प्रेस मिल के कामगारों ने अपनी दिहाड़ी के मुद्दे पर विरोध के रूप में जो है हड़ताल किया। तो इस प्रकार की हड़तालें देश के विभिन्न संस्थानों में समय समय पर होती रहती थी। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अलग अलग क्षेत्रों में हड़तालें हुई। वास्तव में मजदूरों के पास इस समय तक कोई ट्रेड यूनियन नहीं थी, किंतु 1875 में जब मजदूरों की दशा की जांच के लिए पहली बार एक कमेटी की नियुक्ति हुई, तो 1875 और 1890 के मध्य भारतीय मजदूरों की दशा की जांच को सुधारने और नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। अब जैसे आप देखें, एनएम लोखंडे को भारतीय मजदूरों का प्रथम नेता माना जा सकता है। एनएम लोखंडे 1890 ईस्वी में उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की, और एक तरह से विरोधों का उन्होंने संगठन किया, मतलब संगठित विरोध का की शुरुआत की आप कह सकते हैं। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना के द्वारा इस तरह से मजदूरों के विरोध का, संगठित विरोध का श्री गणेश हुआ। और तो ये
मजदूरों का पहला संगठन था जिसकी कि देश में स्थापना हुई थी, तथापि सही मायने में यह एक ट्रेड यूनियन नहीं था। बाद के वर्षों में इसी तरह के अनेक संगठन बनाए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन थे कामगार हितवर्धक सभा, जो कि 1909 में बनी। इसी तरह से सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई 1911 में। फिर अमालगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये 1897 में। प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कैलकटा, ये 1905 ईस्वी में। तथा पोस्टल यूनियन बॉम्बे इत्यादि जो है इनकी स्थापना हुई, मतलब ये इन संगठनों की स्थापना हुई। हड़ताल भी अब जो है वो कोई नई बात नहीं थी, अब हड़तालों से भी जो है वो परिचित हो गए थे, जो खास करके जो मजदूर वर्ग था या जो कामगार वर्ग था। तो 1905 ईस्वी में गवर्नमेंट प्रेस कलकत्ता में एक माह लंबी हड़ताल हुई। 1908 में जब तिलक को सजा हुई तो बम्बई के जो टेक्सटाइल मजदूर थे उन्होंने एक सप्ताह की हड़ताल की। तो एक मजदूर समस्या ने उन दिनों सभी का ध्यान खींचा, और वह समस्या थी जो करारबद्ध भारतीय मजदूरों की अवस्था। तो करारबद्ध भारतीय मजदूरों की अवस्था के बारे में हम कह सकते हैं कि जिन्होंने ब्रिटिशों या ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक तरह से एग्रीमेंट करके उन मजदूरों को विदेशों में भेजा हुआ था जहां उनके दूसरे उपनिवेश थे। तो इस तरह से जो है जिनको इंडेंचर्ड मजदूर कहा जाता था, तो इंडेंचर्ड मजदूरों को भारत से बाहर जो है भेजा जाना शुरू हुआ था 1830 ईस्वी के आसपास जो है। और 1922 में जब 1922 में जब इस नीति को जब तक समाप्त न किया गया तब तक यह जो है वो चलता रहा, यानी कि मजदूरों को जो है वो करार करके उनको बाहर भेजा जाता रहा। तो महात्मा गांधी जिन्होंने कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, उन्होंने साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडेंचर्ड मजदूरों की समस्याओं को लेकर ही पहली बार इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। यानी कि वो भी जो है इस आंदोलन से, ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जो है महात्मा गांधी जुड़े पहली बार कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में जुड़े, जो इंडेंचर्ड जो मजदूर थे उनकी समस्याओं को लेकर। तो ट्रेड यूनियनों के निर्माण के पीछे क्या कारण थे, आखिर क्यों ट्रेड यूनियन बनाए गए? तो इसके पीछे अनेक कारण थे। मजदूर अपनी इच्छा से शहरों में नहीं जाते थे, वो गरीब थे, बेरोजगार थे, रोजगार के अवसरों में कमी ने उनको अपना ग्रामीण घर छोड़ने और शहर आने के लिए मजबूर किया, बाध्य किया, जहां उन्होंने स्वयं को एक विचित्र वातावरण में पाया जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके लिए किसी तरह से जिसे कहते हैं सूटेबल वातावरण नहीं था, एक तरह से कट वातावरण था वो जिसमें वो आ गए थे। और वहाँ दूसरी बात यह थी कि वो बिचौलियों की कृपा पर वहाँ निर्भर थे, जो बिचौलिए थे वही उनको वहाँ ले आते थे और उनको काम दिलाने का वादा करके, नौकरी दिलाने का वादा करके जो है वो उनका शोषण करते थे। तो देश के विभिन्न भागों से मजदूर आते थे और उनकी भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय सब अलग अलग होता था। तो इस विचित्र वातावरण के कारण मजदूरों को एकता की शक्ति या एक होने में, आप कह लीजिए क्योंकि भाषा धर्म हर तरह से अलग अलग थे, तो इसलिए उनमें एकता आने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा समय लगा। तो इन कारणों से भारत में ट्रेड यूनियनों के विकास में थोड़ा समय लगा, थोड़ी देर हुई, किंतु फैक्ट्रियों एवं मजदूरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। और
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, विश्व युद्ध होने के बाद, जैसा कि आपको मालूम है कि जो क्रय शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी और एक तरह का आगे चल के रिसेशन वगैरह भी आया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कीमतें बढ़ गईं और खाद्य अनाज तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड़ गई, तो इस आर्थिक संकट का भार जो है वो किसके ऊपर पड़ गया? इस आर्थिक संकट का भार बेचारे गरीब मजदूरों के कंधे पर पड़ा। तो इस परिस्थिति ने ट्रेड यूनियन को जन्म देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1918 और 1920 के बीच देश भर में बंबई, कानपुर, शोलापुर, जमशेदपुर, मद्रास और अहमदाबाद में पहली बार आप कह सकते हैं कि देशव्यापी हड़तालें हुई, काफ़ी व्यापक रूप से हड़ताल हुई। महात्मा गांधी ने आपको पता होगा जो रौलट एक्ट वगैरह के खिलाफ आह्वान किया था और जगह जगह उसके बाद फिर हड़तालें हुई थी। तो इन आर्थिक हड़तालों के अतिरिक्त बम्बई और कुछ अन्य औद्योगिक शहरों में रौलट एक्ट के विरुद्ध मजदूरों ने राजनीतिक हड़तालें भी की और इस तरह से अपनी बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का जो भारत के जो मजदूर थे उन्होंने उसका परिचय दिया। तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर वर्ग जो है अब एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका था और महत्वपूर्ण अब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, उसको उपेक्षित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मजदूर वर्ग मजदूर आंदोलनों का श्री गणेश भारत में हो चुका था। 1920 का वर्ष भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलनों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जिसे कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म हुआ 1920 में। इसकी स्थापना NM जोशी, लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के प्रयास के परिणाम स्वरूप हुई। लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उद्देश्य था देश के सारे प्रांतों में मजदूर संगठनों के कार्यों को समन्वित करना और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मसलों पर भारतीय मजदूरों के हितों पर विचार विमर्श करना और उनको उनके बारे में सोचना, भारतीय मतलब उनके हितों को पूरा करना। तो इस तरह से जो है लाला लाजपत राय AITUC के अध्यक्ष थे और उन्होंने इस विषय पर मजदूरों की दशा पर विचार विमर्श किया। तो भारतीय मजदूर वर्ग के इतिहास में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उदय एक युगांतरकारी घटना थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार बढ़ते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन को अखिल भारतीय आधार मिला, पहली बार जो है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो पूरे भारत तक विस्तृत था, एक अखिल भारतीय आधार मिला। लगभग एक दशक तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मजदूर आंदोलनों में और AITUC के या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में NM जोशी जैसे उदारवादी राजनीतिज्ञों के हाथ में ये संगठन रहा करीब एक दशक तक जो है, और आगे चलकर CR दास जैसे राष्ट्रवादियों ने भी जो है वो इससे संबंध बनाया, यानी कि वो भी इस संगठन से जुड़े। तो मजदूरों के बीच होने वाला जो प्रचार था वो नेतृत्व के राष्ट्रवादी एवं सुधारवादी विचारधारा के अनुकूल था। जो भी मजदूरों के बीच में प्रचार की प्रसार किया जाता था उनकी मांगों के संबंध में, उनकी बातों के संबंध में, तो वो राष्ट्रवादी और सुधारवादी विचारधारा के अनुकूल था। किंतु ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्य संख्या अभी भी
बहुत कम थी, जो कि एक चिंता का विषय थी। तो अगले 5 वर्षों यानी 1920 से 1925 के बीच ढेर सारे ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई औद्योगिक क्षेत्रों में। बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र थे और उनमें ढेर सारे ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई। इस अवधि में बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे जगहों पर हड़तालों का भी आयोजन किया गया। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसने आप कह सकते हैं कि मजदूरों को एक वैधानिक स्तर प्रदान किया, एक उनको जो है वो कानूनी मान्यता एक तरह से प्राप्त हुई मजदूर संगठनों को। और ट्रेड यूनियन एक्ट के द्वारा जो मजदूर संगठन थे 1926 में, उनको एक वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। 1927 ईस्वी के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन में वामपंथी नेतृत्व का विकास हुआ और इसमें वामपंथी, राष्ट्रवादी, समाजवादी और साम्यवादी लोग जो है वो इससे जुड़ गए। तो इस नए नेतृत्व ने तेजी से जो पुराना नेतृत्व था, जिसमें लाला लाजपत राय, एन एम जोशी जैसे उदारवादी लोग थे, तो पुराने नेतृत्व को बहुत तेजी से इस नए वामपंथी नेतृत्व ने विस्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो 1922 से ही भारतीयों के बीच समाजवादी विचार फैल रहे थे और इस तरह देश में समाजवादी एवं साम्यवादी दलों की स्थापना हो रही थी। तो इन दलों ने राष्ट्रवादी आंदोलन की सफलता के लिए मजदूर वर्ग के महत्व को समझा तथा वर्कर्स एंड प्रजेंट्स पार्टियों का संगठन किया। तो जिनके सदस्य ट्रेड यूनियन कांग्रेस में अधिकाधिक प्रभावशाली होते गए, तो उनका उद्देश्य था ट्रेड यूनियन आंदोलन वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और से उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन को जोड़ा, मतलब जो वामपंथी लोग थे उन्होंने, और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने, वामपंथियों ने ट्रेड यूनियंस का प्रवेश कराया। आप कह सकते हैं ट्रेड राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम से उन्होंने मजदूरों को जोड़ा। तो सीधे संघर्ष के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। जोशी का गुट, जो जोशी के गुट का जो नेतृत्व था वो कमजोर होकर रह गया और उन्होंने अब इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की उन्होंने। 1929 में रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के बहिष्कार एवं जिनेवा के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर दोनों पक्षों में फूट पड़ गई, और यानी कि वामपंथियों में और जोशी वगैरह के गुट में जो है उनमें फूट पड़ गई। तो AITUC में 1931 में एक बार फिर से फूट पड़ गई और 1935 में फिर से वो एक हो गए। तो 1938 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ITUP भी एक हो गए। ITUP, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, तो इस तरह से ITUF, बल्कि आप कह लीजिए इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन और इंडियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थे, इनमें थोड़ा सा जो जिनेवा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको लेकर के आपस में फूट पड़ गई थी। लेकिन और 1931 में इनमें फूट पड़ी थी, लेकिन 1935 में ये फिर से एक हो गए। 1938 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ITUF ये दोनों जो है आपस में मिल गए, यानी कि आपस में विलय हो गया इनका जो है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उद्देश्य काफी बढ़ा हुआ था और इनका जो
उद्देश्य थे वो ये था कि भारत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उद्देश्य जो था उनमें कई बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे कि भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना, यथासंभव उत्पादन के साधन और विनिमय तथा वितरण का राष्ट्रीयकरण करना, मजदूर वर्ग के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना, और साथ ही साथ वाक् स्वातंत्र एवं प्रेस संगठन, वाक् स्वातंत्र यह है कि यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, और प्रेस संगठन, सभा, हड़ताल आदि की स्वतंत्रता। तो इस तरह से मतलब जो उद्देश्य थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वो ये थे कि हर तरह से जो है मजदूरों को सभा करने की स्वतंत्रता दी जाए, संगठन बनाने की मतलब प्रेस संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए, हड़ताल करने की स्वतंत्रता दी जाए उनको, और साथ ही साथ जो है विनिमय और उत्पादन इन सब चीज़ों को नियंत्रित किया जाए। तो यानी कि जैसे नागरिक अधिकार होते थे तो उसी तरह के मतलब जो नागरिक अधिकार जो है वो मजदूरों को दिलाने का प्रयास किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने, जिससे कि वो आराम से रह सकें। 1942 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्य संख्या 3,37,695 थी, जो कि समस्त सदस्य संख्या जो थी वो इतनी थी उनकी, और 3,37,695। लेकिन जितने मजदूर थे भारत में, पूरे भारत में जितने मजदूर थे, अगर उनकी तुलना में देखा जाए तो ये संख्या जो है वो बहुत ही कम थी, बहुत ही अल्प थी। भारत के ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या कम होने की भी कुछ वजहें थीं, अब जैसे मजदूरों की गरीबी और उनका सांस्कृतिक पिछड़ापन भी एक कारण था, और साथ ही साथ नियोक्ताओं द्वारा यानी कि जो मजदूरों को नियुक्त करते थे वो मजदूरों का उत्पीड़न करते थे, लेकिन हड़तालों के वक्त ट्रेड यूनियनों की जो है वो मजदूरों को ट्रेड यूनियनों को जो है मजदूरों का काफ़ी समर्थन प्राप्त होता था जब हड़ताल वगैरह इत्यादि होती थी, भले ही जो उनके मालिक थे वो चाहे जितना नियोक्ता थे वो कितना भी उत्पीड़न करें, वो चाहे कितने भी पिछड़े हों, लेकिन धीरे धीरे उनमें जागरूकता आ रही थी मजदूरों में इन नेताओं के कारण। तो इसलिए जो है धीरे धीरे मजदूरों का जो है वो की संख्या जो है ट्रेड यूनियनों में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही थी, उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 1927 के बाद भारतीय मजदूर वर्ग ने आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र में अपने क्रियाकलाप का काफ़ी विस्तार किया उन्होंने, और मजदूर वर्ग का मतलब अच्छे खासे मजदूर वर्ग का जो अच्छा खासा अंश था उसने स्वयं के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। तो इस तरह से मतलब जो मजदूर थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेने लगे। सरकार ने देखा कि अब मजदूर जागरूक हो रहे हैं तो सरकार ने इसे बहुत खतरनाक माना, और कानून की मदद से उन्होंने जो है हड़ताल करने के अधिकार को सीमित कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। और तो 1930 के आसपास की ये बातें हैं, तो 1930 से 1933 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी मजदूरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस की जो अभूतपूर्व विजय हुई, जो महान सफलता थी, उसका कारण एक कारण ये भी था कि मजदूरों ने उनको जो है वो भरपूर समर्थन दिया था, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो एक तरह से कांग्रेस का ही एक विंग था आप कह लीजिए, जो मजदूर और आज भी है। तो किंतु कांग्रेसी जो सरकारें बनी उनसे शीघ्र ही मजदूरों का मोह भंग हो गया, क्योंकि मजदूरों की हालत सुधारने के लिए जो कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके विपरीत मजदूरों के ऊपर बल प्रयोग किया गया और उनके संगठनों पर तरह तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए। तो नतीजा ये हुआ कि मजदूर जो है वो
थोड़ा आप सरकार से नाराज रहने लगे। तो 1939 में जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बार फिर दुनिया पे बहुत बड़ा संकट आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ने ट्रेड यूनियनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, कीमतें बढ़ी और मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति काफ़ी घट गई। इसके अलावा युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योगों पर काफ़ी जोर पड़ा, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए उद्योगों पर जोर पड़ा। कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया और तो मजदूरों ने महंगाई भत्ते और बोनस इत्यादि की मांग की, किंतु सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया नियमों के अंतर्गत उन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी युद्ध द्वारा उत्पन्न जो परिस्थितियां थीं उनसे ट्रेड यूनियन आंदोलनों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ट्रेड यूनियन आंदोलनों का उनसे जो है वो विकास ही हुआ, क्योंकि और धीरे धीरे मजदूर जो थे वो धीरे धीरे और भी जागरूक होते जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। तो 1938 के बाद मतलब 1900 देश में ट्रेड यूनियनों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी और विश्व जब प्रारंभ हो गया उसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित ट्रेड यूनियनों की संख्या में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई, तो इस वृद्धि को हम एक अच्छा संकेत समझ सकते हैं जो कि मजदूरों के हित में था। तो इस प्रकार नए सामाजिक वर्ग का अभ्युदय हुआ, जिसने जो है ट्रेड यूनियनों के विकास पर एक प्रभावशाली मतलब भूमिका अदा की ट्रेड यूनियनों के विकास में। तो इस तरह से आज़ादी के पहले किस प्रकार से भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलनों का विकास हुआ उसके ऊपर हमने एक संक्षिप्त सी चर्चा की, किन परिस्थितियों में ट्रेड यूनियंस का गठन हुआ, उनके सामने क्या क्या कठिनाइयां थी, उनके क्या क्या उद्देश्य थे और उनकी जो समस्याएं थी उनका किस तरह से निवारण हुआ, इन सब पे हमने चर्चा की। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।